हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कॉर्नर ब्लॉग। और यहाँ पर मैं जो है मेहंदी गला रही थी बालों में डालने के लिए, तो यहाँ पर मैंने जो है पैकेट वाली मेहंदी आती है उसको ले लिया है, और साथ में चाय पत्ती वाला पानी और उसमें थोड़ी सी मेथी दाना उबाल लिए हैं। मेथी दाना मैंने रात में फुलाने रख दिए थे, उसके बाद चाय पत्ती के साथ में ही फुला उबाल लिए हैं मैंने, तो उसका जो है सारा पानी अच्छी तरीके से हो जाएगा। और छान लेने के बाद फिर मैंने पानी ठंडा कर लिया, उसके बाद जो है मेहंदी में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ जितना कि मुझे ज़रूरत होगी, जितना मैं मतलब पतला रखना चाहती हूँ मेहंदी। और यहाँ पर मैंने नींबू भी लिया है और दही भी लिया है, तो नींबू जो है हमारे बालों को बहुत अच्छा करता है, दही से भी हमारे बाल जो एकदम सॉफ्ट होते हैं, डैंड्रफ वगैरह जो भी होता है सब निकल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं डाल के अच्छे से मिला लूँगी, और कॉफ़ी भी डाल सकते हैं आप, बट कॉफ़ी अभी अवेलेबल नहीं थी तो नहीं डाली मैंने। तो ये देखिए मैंने दो नींबू लिए थे, तो उनका रस जो है अच्छी तरीके से निचोड़ के इसमें डाल दूँगी। और जितनी उस तरह मैंने बोला ना, जैसे कि जितना अपने को चाहिए है पतला गाढ़ा घोल उतना कर लूँगी मैं। तो ये देखिए मैंने जो है नींबू डाल दिया है, तो उसके बीज नहीं निकाले हैं, वो तो उस टाइम लगाते हुए ही निकल जाते हैं। तो ये देखिए मैं अच्छी तरीके से घोल बना लूँगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरी मेहंदी का वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, और अगर फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा अगर अच्छा लगता है ज़्यादा वीडियो तो ठीक। और ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको घोल कर लिया है, तो इसके बाद मैं इसको 3-4 घंटे के लिए रख दूँगी, उसके बाद जो है मैं अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी। इससे बालों की ग्रोथ जो अच्छी होती है, शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मैंने 3-4 घंटे रख लिया है, और यहाँ पर पहले अदिति बोल रही थी कि मैं लगा दूँगी, तो भैया बहुत परेशान कर रहा था, बस मैं उसको ही डांट रही थी, इग्नोर कर दीजिएगा ठीक, क्योंकि छोटा है शैतानी ज़्यादा करता है, तो वो शैतानी कर रहा था। अदिति लगा रही थी यहाँ पे बालों में मेहंदी, तो वो ही बोली कि मैं लगा देती हूँ माँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो, पर उसको अच्छे से नहीं आ रहा था लगाती हुई, तो कुछ उसने लगा दी, उसके बाद आधी मैंने लगा दी है। अगर आप लोगों इसके बाद मैं जो है नेक्स्ट पार्ट जो है हेयर वॉश का लेके आऊँगी, मेहंदी के ही हेयर वॉश का लेके आऊँगी, उसके बाद वो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चलिए फिर आप लोग कीजिए वीडियो को एंजॉय, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और साथ में मैं हाथों से ही मेहंदी अप्लाई करूँगी क्योंकि ब्रश मेरे पास नहीं है, तो उसको भी इग्नोर कर दीजिएगा ठीक।